हेलो ममाज एंड पापास, कैसे आप सब। मैं शिल्पी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल श्रीजी व्लॉग्स में। क्या आपका बेबी कॉलीफ्लावर खाता है? क्या उसे कॉलीफ्लावर पसंद है? क्या आपका बेबी कैरेट खाता है? ज्यादातर पेरेंट्स के आंसर होगा नहीं, क्योंकि मैं हमारे बच्चे को कॉलीफ्लावर बिल्कुल नहीं पसंद, कैरेट वो देखता भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं जो हमारे बच्चे स्टार्टिंग में खाना नहीं पसंद करते। हाँ, जैसे जैसे 5-6 ईयर्स के तो तब तो वो खाते ही है, लेकिन 6 महीने से जब उनको खाना खिलाना शुरू करते तब ना 6 महीने से लेकर 3 साल तक तो उनको खाना खिलाना एक बहुत बड़ा जंग होता है, खास करके तब जब हम सब्जियां हमें उनको खिलानी होती है। ज्यादातर बच्चे सब्जियों से भागते हैं, इसलिए ये जो रेसिपी है ये खास बच्चों के लिए ही है कि उनको हम अच्छी सब्जियां खिला सके। अब ये रेसिपी ऐसा है कि अब दुनिया की कोई भी सब्जी हो आप इस रेसिपी में यूज करके डाल करके इसको इनोवेट करके आप अपने बच्चे को खिला सकते हैं। आपका बच्चा हैप्पीली खाएगा। और अगर आपका बच्चा 12 महीने के ऊपर है यानी कि 1 साल के ऊपर है तो आप इस रेसिपी में सॉल्ट यूज करते हैं। मैंने सॉल्ट यूज नहीं किया है क्योंकि मैं ये 6 महीने से 12 महीने के बच्चे के लिए ये रेसिपी दिखा रही हूँ। ये रेसिपी बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी होगा, भले इसमें सॉल्ट भी नहीं होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपके बच्चे के पेट में वेजिटेबल्स भी जाएगा जो ज्यादातर पेरेंट्स उनको जबरदस्ती खिलाना चाहते हैं, वो उसके अलावा जबरदस्ती नहीं मजे से ये खाएंगे। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने एक कटोरी में थोड़ा सा कॉलीफ्लावर ले लिया है और कैरेट्स लिए हैं, ग्रीन मटर ले लिए और आलू ले लिया है। ये जो क्वांटिटी है वो मैंने अपने बच्चे के हिसाब से लिया है, आपको अपने बच्चे के हिसाब से क्वांटिटी सिलेक्ट कर लेनी है। अब मैंने एक मुट्ठी जितना राइस ले लिया है, उसको अच्छे से धो लिया है और 3/4 ग्लास जितना पानी ले लिया है। अब हम एक कुकर लेंगे, कुकर के अंदर ये सारे वेजिटेबल्स और राइस डाल देंगे। अगर आपको ये जो रेसिपी है वो राइस के अलावा अगर दाल के साथ बनानी है तो मैंने ऐसी भी एक रेसिपी बनाई हुई है ऑलरेडी, आप मेरे चैनल पे डाली हुई है, इसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। अब आपको इस कुकर में 3/4 कप जितना पानी भी डालना है, थोड़ा ज्यादा पानी भी डाल सकते हैं आप, लेकिन आप क्वांटिटी के हिसाब से मैंने 3/4 कप पानी ही डालना है। अब मैं इस कुकर को बंद कर दूंगी और इसमें 1 सीटी हाई फ्लेम में और 2 सीटी लो फ्लेम में आने दूंगी। मैं 3 सीटियां इसलिए लगा रही हूँ जिससे जो खाना है वो अच्छे से गल जाए। 3 सीटी आने के बाद हमें कुकर के मतलब जो गैस है उसको बंद कर देना है और कुकर को ठंडा होने रख देना है। जैसे ही उस जो कुकर का जो कुकर ठंडा हो जाएगा हम उसको खोल के चेक करना है कि देखिए जो मिक्सचर है वो अच्छे से रेडी हो चुका है, राइस अच्छे से पक चुका है और सब्जियां भी सारी गल गई है। अब हमें इसको अच्छे से एक वेसल में निकाल लेना है। अब हमें क्या करना है, तो हैंड मैशर यूज करके इसको अच्छे से मैश कर देना है। अब आपका बेबी बहुत छोटा है यानी 12 साल से नीचे है तभी आपको हैंड मैश ही यूज करना है, क्योंकि मिक्सर में सब कुछ बहुत ज्यादा उसके जो टेक्सचर है वो भी कट हो जाते हैं, फाइबर्स भी कट हो जाते हैं, इसलिए मैं मैशर ही इस्तेमाल करती हूँ। और मैं आपको भी एडवाइस करूंगी, आप छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे हो, आप मैशर ही इस्तेमाल कीजिए। अब आपको एक तड़का पैन लेना है, उसके अंदर 1/4 टेबल स्पून जितना ऑयल लेना है और 1/2 टेबल स्पून जितना बटर ले लेना है। बटर इसलिए क्योंकि बटर से जो खाने का टेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है और हमें हमारे छोटे बच्चे को बटर जरूर देना चाहिए। मैंने 1/4 टेबल स्पून जितना जीरा भी ले लिया है, जीरा से जो खाने का टेस्ट है वो और ज्यादा अच्छा हो जाता है। जीरा जैसे ही चटकने लगे हमें ना उसको जल्दी से वो वेजिटेबल मिक्सचर जो हमने बनाया है उसके अंदर डाल देना है। ये देखिए खाना बिल्कुल तैयार है, एकदम टेस्टी एकदम यम्मी। अगर आपका बच्चा 12 महीने के ऊपर है तो आप सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। आप इसको थोड़ा इनोवेट भी कर सकते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेबल्स डाल के सीजनल वेजिटेबल्स भी डाल के आप इनोवेट कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।